अपने पैर पर कुल्हाड़ी कैसे मारनी है ये कोई मालदीव से सीखे। मालदीव बिल्कुल श्रीलंका की राह पर चल रहा है, बिल्कुल श्रीलंका के नक्शे कदम पर चल रहा है। श्रीलंका जिस तरीके से पहले भारत का हमराज हुआ करता था, भारत का दोस्त हुआ करता था, और श्रीलंका की हर मुसीबत में भारत हमेशा साथ खड़ा दिखाई दिया है, हमेशा भारत ने साथ दिया है। लेकिन श्रीलंका ने क्या किया, शुरुआत में श्रीलंका ने दगाबाजी की। श्रीलंका गया चीन की गोद में जाकर बैठ गया, और उसके बाद चीन ने श्रीलंका के साथ क्या किया, चीन ने श्रीलंका को ऐसे कर्ज के माया जाल में फंसाया कि श्रीलंका कराह उठा, उनकी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई, लोग भूखे मरने को मजबूर हो गए। 1 किलोमीटर जाने के लिए कैब से 5,000 रुपए देने पड़ते थे, एलपीजी सिलेंडर्स के दाम आसमान छू रहे थे, लोग हाहाकार कर रहे थे। और उस वक्त मदद के लिए भी कौन आगे आया था, हिंदुस्तान आगे आया था। 2022 आप याद करिए, 2022 में श्रीलंका की क्या स्थिति थी, दंगे हो रहे थे, आगजनी हो रही थी, लोग सड़कों पर उतर गए थे। और 2023 में हालात ये हो गए कि राजपक्षे परिवार को सरकार से आउट होना पड़ा, और यही गलती मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोइज़ू भी कर रहे हैं। मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोइज़ू चाइना से होकर आते हैं और सीधा आदेश दे देते हैं कि भारतीय जो सेनाएं हैं वहां पर वो अब मालदीव्स में नहीं रहेंगी, वो यहां से चली जाए। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मोइज़ू जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट है। ये बिल्कुल वही गलती है जो श्रीलंका की ओर से की गई थी। मालदीव्स में जिस तरीके से हालात हैं वो हालात अब और ज्यादा बदतर हो सकते हैं, क्योंकि चीन का तो काम ही है कर्ज के माया जाल में फंसाओ और उसके बाद कब्जा कर लो, किसी भी देश को गुलाम बना लो और फिर जो चाहो वो कराओ। वही हाल मालदीव्स का होने वाला है। मालदीव्स ये भूल गया है कि हिंदुस्तान ने उसके लिए क्या क्या किया है। हर मुसीबत में जब भी डिफिकल्ट सिचुएशन हुई है, मालदीव्स के लिए सबसे पहले हिंदुस्तान खड़ा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर मालदीव्स को पहचान मिलनी थी तो सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने वाला इंडिया ही था। कोई और देश दुनिया भर में आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, आपको इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा नहीं दे रहा था। ये सिलसिला यहीं नहीं खत्म होता है। इंडिया के एहसानों की जो फहरिस्त है वो बहुत लंबी है। आप याद कीजिए, आपको 6 विंग वाला एयरक्राफ्ट फाइटर प्लेन सबसे पहले किसने दिया, और एकमात्र कंट्री है जिसने दिया है वो है हिंदुस्तान। आपको हेलीकॉप्टर्स किसने भेजे, हिंदुस्तान ने। जब कोरोना की मार मालदीव झेल रहा था तो सबसे पहले आपको वैक्सीन किसने भेजी, हमने भेजी। और इसके अलावा जब वहां पर पानी के लिए त्राहिमाम हो रहा था तो मिनरल वाटर, बिस्लेरी जैसे मिनरल वाटर खेप हमने वहां भेजी, जब तक कि आपकी आपूर्ति पूरी नहीं हो गई। इसके अलावा जब वहां पर मेडिकल सिचुएशन खराब होती है या अस्पतालों में सर्विसेज नहीं होती, कोई गंभीर पेशेंट होता है तो उसे एयर के जरिए इवैक्यूएट करके यहां हिंदुस्तान में इलाज किया जाता है, वहां की तमाम जो दवाइयां हैं वो हिंदुस्तानी है। इतना नहीं और कितना, और कितना कोई पड़ोसी देश आपके लिए करेगा। लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने, जिस तरीके से मालदीव्स ने हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए अभद्र टिप्पणी की है, वो वाकई शर्मनाक है। और इस पर भी कौन कहे कि मालदीव्स शर्मिंदा हो या मालदीव्स के प्रेसिडेंट शर्मिंदा हो, मालदीव्स के जो तेवर हैं वो वाकई बेहद खराब हैं। न सिर्फ विश्व पटल पर उनकी किरकिरी हो रही है बल्कि उनके देश में भी अब उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी है। लेकिन एक बात मालदीव्स को समझनी पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो कि आप चीन के गुलाम बनकर रह जाएं, बिल्कुल श्रीलंका की तरह। हालांकि श्रीलंका को बाद में अकल तो आ गई, श्रीलंका बाद में संभला जब उसकी अर्थव्यवस्था जब गंभीर थी, नीचे गिर रही थी, तो हिंदुस्तान ने एक बार फिर से मदद का हाथ आगे बढ़ाया, तब जाकर श्रीलंका को अकल आई थी। क्या मालदीव्स एक बार चपेट खा जाना, जिसको कहते हैं कि लात पड़ जाने का इंतजार कर रहा है, तब संभलेगा? लेकिन अगर यही धर्रा अपनाता रहा मालदीव्स, जाहिर तौर पर एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो चीन का गुलाम हो जाएगा, वहां का एक एक बाशिंदा सांस लेने को भी चीन का मोहताज हो जाएगा, चीन के इशारे पर वहां पर सारी चीजें होंगी। क्या तब तक के लिए मालदीव्स इंतजार कर रहा है कि सिचुएशन वैसे ही खराब हो? हिंदुस्तान का कुछ नहीं गया, आपने पूरी दुनिया में अपनी करा ली है और अपने पैर पर ही एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मार ली है, जिसका खामियाजा आपको सदियों तक भुगतना पड़ेगा।